मतलब एक निवेदन है आपसे कुणाल जी, वो ये है कि मैं लड़ रहा हूं तो आप मुझे संभालिए, आप भी मत लड़कड़ाइए, वैसा है। लेकिन चलिए चलिए, हमारे एक्सपर्ट बाकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी हमारे स्टूडियो में है और नितिन जी वागले साहब, राजेश जी, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त मैं आगे बढ़ूं और आज कल परसों वाली इवेंट्स पर आए लूं, उससे पहले एसबीआई के रिजल्ट्स अभी अभी आए, एसबीआई के रिजल्ट्स पर पीसीआर में आपने पुट खरीदने की राय दी थी नितिन जी, एक बार जल्दी से पहले उसका अपडेट दे दें कि, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखें जी, हम लोगों ने 310 की पुट ऑप्शन 13 रुपए पे ली थी, अभी इसका प्राइस 10 रुपए चल रहा है, तो बहुत ज्यादा प्राइस में इरोजन नहीं हुआ है। 7 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था तो वो भी अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि लो हमारा 8 रुपए 30 पैसा गया था। इसमें एक बाइंग आई, बट बाइंग में बहुत ज्यादा पुट्स नहीं टूटी जिस हिसाब से टूटनी चाहिए थी, और कॉल में उतना राइज नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने 7 रुपए का लिया है वो रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर ये जब SBI 320-22 जाने के बाद वहां से सेलिंग काफी अच्छी आई और वहां से 4-5 रुपए स्टॉक ऊपर से टूटा है, तो एक बार हम स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपए का इंटैक्ट रखते हैं और इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। अभी 10 रुपए का रेट है, हमारी बाइंग प्राइस 13 रुपए है, 3 रुपए नीचे चल रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करेंगे। ओके, 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, चिंता न करें। स्लिपेजेस ज्यादा आए हैं तो रिजल्ट उतने मजबूत नहीं है जितने आपको मुनाफे के आंकड़ा एनपीए के आंकड़ा देखकर देख रहे हैं। कैसे कहेंगे रिजल्ट्स को, एसबीआई के रिजल्ट्स? थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ना, क्योंकि अंदाजा से ज्यादा स्लिपेजेस आए हैं। हालांकि इस स्लिपेजेस में अनिल जी कुछ 8,000 करोड़ दीवान हाउसिंग का फिगर है, तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट्स को अनुमान था, लेकिन पहले पता था एक्चुअली, बट ओवरऑल जो एनपीए का नंबर घटा है, हार्डली 5 बेसिस पॉइंट से घटा है, तो ये कोई बड़ा फॉल नहीं है। मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस क्वार्टर में इनको भूषण स्टील और रुचि सोया का भी पैसा मिला है, तो शायद नतीजे थोड़े से उम्मीद से ज्यादा अच्छे आते थे, बट मुझे लग रहा है शायद यही एक रीजन है कि स्टॉक में ऐसा कोई बड़ा उछाल आपको अभी देखा नहीं है। चलिए, कोई खास बात है नहीं रिजल्ट में, इतने बहुत दमदार भी नहीं जितना शेयर भाग रहा है, और बढ़ेगा तो ऊपर से गिरेगा भी, ये बात तय है। लेकिन आइए, रिजल्ट सीजन में आपके लिए इवेंट्स ढेर सारी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर लेते हैं। कौन सी इवेंट्स आज कल और परसों वो है वो बता दीजिए। मानसी, एक हमें पता है कल बजट, इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताएं? बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। देखिए, शुरुआत आज के नतीजों से कर लेते हैं। नतीजे निफ्टी में अभी वेदांता, टेक महिंद्रा, आईटीसी, एचयूएल, पावर ग्रिड, ये तमाम कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा इंडोस्टार 31 जनवरी को फंड जुटाने पर कंपनी सोच विचार करेगी। सीपीएससी ईटीएफ आज रिटेल निवेशकों के लिए सीपीएससी ईटीएफ खुला है। एंकर निवेशकों का हिस्सा 3 गुना से ज्यादा भरा है, 3,000 करोड़ के मुकाबले 9,200 करोड़ की बोलियां यहां पर मिलती हुई दिखी है, तो अहम इवेंट है जिस पर फोकस है। इसके अलावा आईटीआई, इसका एफपीओ आज बंद होने जा रहा है। ग्लोबल बाजार से भी द मच अवेटेड इवेंट ब्रेक्सिट आज हो जाएगा, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ेगा। कल जैसे कि आपने बताया, एक बहुत बड़ा इवेंट, ऐतिहासिक दिन, बजट है, और 7 बजे से ही महाकवरेज जी बिजनेस पर शुरू होगी। इसके अलावा नतीजे अमारा राजा बैटरीज के एफएनओ में कल आते दिखेंगे। आईटीआई का एफपीओ जो आज बंद होने जा रहा है, कल इसका इशू प्राइस तय हो जाएगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। ओके, तो ये कुछ बड़े इवेंट हैं, बजट तो कल है ही, और इसके अलावा भी कुछ अहम इवेंट्स हैं जो कि कल के दिन आपको नजर में रखने हैं। इस बीच देखिए, नतीजे आ रहे हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग, इस कंपनी ने भी नतीजे आए, जैसे ही 10% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। कुणाल जी, इसके चार्ज देखिए, तब तक हम नतीजे अब आपको बता देते हैं। मुनाफे में अच्छी बढ़त हुई है कंपनी के, और आय में भी बढ़त ही देखने को मिली है। देखिए, आय 200 फ्लैट है, आय के फ्रंट पर अगर नंबर्स देखेंगे तो फ्लैट है, लेकिन मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो चुका है, तो दुगनी बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। स्टॉक आ चुका है तेजी से 11% ऊपर। कुणाल जी, कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स के? तो पूरा बहुत समय बाद स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, काफी समय से पिट रहा था और एक रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। अगला जो पड़ाव शेयर चार्ट पर नजर आता है वो लगभग 43.90 रुपए 44 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है यहां से भी 2-3 रुपए की तेजी बिल्कुल संभव है। स्टॉक में जिस तरह का ब्रेकआउट है, एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 40 रुपए 80 पैसे पर, 40 रुपीज 80 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर मुझे लगता है कि 43.70 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय कौन पर आपके लिए, स्टॉक 12% की अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए, कुछ खबरों पर भी फोकस करेंगे, लेकिन इस बीच है कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये सुबह आपने पिक ऑफ द डे में यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी, और शायद मेरे ख्याल से टारगेट्स भी आपके अचीव हुए। टारगेट तो उसके अचीव हुए, एवेन्यू तो फिर भी हर बार हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, हर बार ही हो जाते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी टेक्सटाइल, क्या गजब चला है, वाह,
मजा आ गया। सेंचुरी टेक्सटाइल 633 पे दिया था, 645 652 ये दोनों ही हासिल कर गया। अरे कुणाल जी, आप किसकी बधाई लेना पसंद करेंगे, सेंचुरी की या डीमार्ट की या दोनों की? अनिल जी दोनों की दे दी, मुझे मालूम ही था। ठीक है सर, दोनों की बधाई। बताइए अब इन दोनों में करना क्या है, ये बताइए। देखिए अनिल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे अमेजोन में कल रात तेजी बनी है 10% की और उसका सब लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया का अमेजोन बनेगा एवेन्यू सुपरमार्ट, तो जिसके पास है मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई डिप आपको मिलती है मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदें, एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें इसे। और दूसरा सवाल अनिल जी सेंचुरी का, तो इसमें जो कमाल का मूव हमने पिछली सीरीज में देखा था, मुझे लगता है कि इस सीरीज में भी ये आउट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल होल्ड करके चले। जिनके पास पोजिशन है, प्रॉफिट अभी तक बुक ना किया हो तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अब रिवाइज स्टॉप लॉस 650 का, 650 रुपए का रख लें, मुझे लगता है कि इसमें 675 के लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर सेंचुरी टेक्सटाइल में इस वक्त दी जा चुकी है। चलिए आज खबरों के दम पर भी काफी स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में है वो समझ लेते हैं। देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, देवांशी बताइए कहाँ एक्शन है। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों पर नजर कर लेते हैं और यहाँ पे वी गार्ड के काफी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। आप देखिए मुनाफा करीब 29% से बढ़ता हुआ दिखा है, 44 करोड़ पे आया है। जो आय है वो भी 5% से बढ़ती हुई दिखी है। जो कामकाजी मुनाफा है उसमें करीब 35% तक की बढ़त हमने देखी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चलते भी हमने देखा थोड़ा सा जो मुनाफा है और कामकाजी मुनाफा है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 10% के करीब आते हुए दिखे हैं। कुल मिलाकर वी गार्ड के नंबर्स थोड़े से अच्छे हैं। बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए यहाँ पे जो घाटे से मुनाफे में आई है बैंक, साथ ही 4,740 करोड़ का घाटा था उसके मुकाबले 106 करोड़ के मुनाफे आते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय भी बढ़ती हुई दिखी है, 4,118 करोड़ पे आती हुई दिखी है। ग्रॉस एनपीएस 16% पर बरकरार है, नेट एनपीएस 5.97% पे आते हुए दिखे हैं, कोई ज्यादा बढ़त आती हुई नहीं दिखी है। और प्रोविजंस घटे हैं इस बार करीब आधे होते हुए दिखे हैं, 4,020 करोड़ के आसपास, और लोन ग्रोथ केवल 1.7% पर आती हुई दिखी है। मिक्स नतीजे हैं लेकिन अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो अभी भी चिंता बरकरार है। साथ ही कंसाइन एरोलेक अच्छे नतीजे हैं, मुनाफा 107 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 12.5% से बढ़कर 15% के करीब आते हुए दिखे और आय जो है वो भी इस बार हल्की सी घटती हुई दिखी है। साथ ही भारतीय एयरटेल के लिए खबर है, डिनाइड एंट्री लिस्ट से अब बाहर होती हुई दिखी है। डीजीएफटी को कंपनी जल्द ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती हुई दिखेगी। कॉट्स केबल, इसको ताइवान से कंपनी को 22 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उसके बाद स्टॉक में करीब 7% तक के गेन्स हमने देखे थे। वेदांता फ्लोरो एलॉय के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है और इसके चलते हल्की सी तेजी स्टॉक पर भी बनती हुई दिखी थी। और साथ ही बीएचएल ईएसएल के साथ कंपनी करार कर रही है। और आईओसी आप देखिए, कंपनी अपनी जो रिफाइनरी है इसमें विस्तार की योजना है, करीब 14,000 करोड़ का निवेश करेगी। और बड़े सौदों पर अगर नजर करें, कोटक बैंक 6 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे हैं 1705 से लेकर 1717 रुपए प्रति शेयर पर। येस बैंक में आज फिर सौदे होते हुए दिखे 12 लाख शेयरों के और ओएनजीसी में भी 11 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे 111 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये कुछ खबरें थे जिनके चलते आपको यहाँ पर नजर रखनी है। ओएनजीसी भी इस वक्त दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है, 5% नीचे इस वक्त ये जो बड़े सौदे हुए हैं इसके चलते 5% नीचे ओएनजीसी का शेयर भी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच निफ्टी एक बार देख लेते हैं। 12,000 ये हरे निशान में आ चुका है, शो की शुरुआत में हमने देखा था लाल निशान में था और इस वक्त 12,050 इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त आते हुए दिख रही है और थोड़ी ही देर में हम आपके लिए कल के 2,000 भी लेकर आएंगे। रेडी है अभी के लिए? हाँ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, रेडी समझिए आप रेडी। हाँ ओके, तो बिगुल कल के 2000 का। ये शायद और किसी को पसंद आए ना आए, अविनाश जी को आएगा और मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे वो चीज पसंद आती है जब स्टॉक है ना बहुत बड़ा हुआ हो और तब उसे शॉर्ट करना। SBI, अच्छा 321.50 ये फ्यूचर्स के लेवल चल रहे हैं और 3% ऊपर है SBI का स्टॉक, इसे शॉर्ट करना है। रिजल्ट के बाद 3% स्टॉक ऊपर है और मजबूत शेयर को शॉर्ट करना है। पहली चीज तो ये ऊपर इसलिए आया क्योंकि रिजल्ट के पहले सबके शॉर्ट कॉल थे, तो सब वो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आएगा। अब आप गौर से इसके रिजल्ट समझ लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा हूँ, फिर कल आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इस पर। पहली चीज, 20,000 करोड़ रुपए का स्लिपेजेस बहुत 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 ज्यादा, हर एक लेवल से किसी भी एंगल से आप देखेंगे तिमाही दर तिमाही ये डिजास्टर है। ये स्लिपेजेस बहुत खराब है, पॉइंट नंबर वन। लोन ग्रोथ आई है इनके 7.8%, 7.8% जो 2 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है।
अभी किसकी लोन ग्रोथ हमने 37% देखी थी रिजल्ट में आज ही, इक्विटास। हालांकि इक्विटास एसबीआई का आप कंपेयर नहीं करेंगे कभी, लेकिन इस आप देखिए दो साल की सबसे लोएस्ट लोन ग्रोथ है। अच्छा, जो रिकवरी है जिसमें 8,800 करोड़ तो सबको पता था ये ऑलरेडी रुचि सोया का एसआर का आने वाला है, उसके बावजूद ये आंकड़ा है। स्लिपेजेस बहुत हायर लेवल पर चल रहे हैं और इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कुछ न कुछ ऐसे नए अकाउंट के स्लिपेजेस हुए हैं जो मार्केट को पता नहीं है, जो पता होते उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब 10,000-12,000 करोड़ के स्लिपेजेस है जो किसी को पता नहीं है ये कहां से आए। एक और चीज, अगर भगवान ने करे गलती से टेलीकॉम कंपनी का इनको और प्रोविजन करना पड़ गया तो मुश्किल है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने कल देखा आईडीएफसी बैंक कितना गिरा, 10%, और वो इसलिए गिरा कि उन्होंने प्रोविजन कर लिया। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेलीकॉम कंपनियों का प्रोविजन कर सकता है तो देश का सबसे बड़ा बैंक क्यों नहीं करेगा, उनको भी करना पड़ सकता है। एक ही एसेट क्वालिटी एक के लिए अच्छी हो सकती है, एक के लिए खराब हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, कहने का मतलब इनका पूरा सार ये है कि क्वालिटी वाइज एसबीआई के नंबर्स खराब है। 327 स्टॉप लॉस का लेवल है, बेचिए। 311 ये वो लेवल है जहां से स्टॉक चलना शुरू हुआ था रिजल्ट के पहले से, जब रिजल्ट आया उसके पहले 311-12 के आसपास था, वहां से धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हुआ। पहला टारगेट वहां रखिए, उसके बाद 305 और 295, अगर मार्केट खराब रहा बजट खराब रहा तो 295 भी आ जाएगा कल ही, नहीं तो आप स्टॉप लॉस पूरा मेंटेन करिए 327 का। 311 पहला टारगेट, वहां पे आपके 2000 भी बन जाएंगे और आराम से शॉर्ट करिए निश्चिंत होकर। कल आपको सारे डाउनग्रेड नजर आएंगे, डाउनग्रेड आए ना कम से कम कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि रिजल्ट अच्छे हैं। अविनाश जी ठीक है ये? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट स्लिपेजेस का नंबर आपने सही कहा कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है, और वोडाफोन का तो ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट ने 50% प्रोविजन किया है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है। और कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है तो 7% ग्रोथ जो आप कह रहे हैं वो काफी धीमा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये कहलाता है कि अभी भी क्रेडिट ग्रोथ का फायदा इनको मिला नहीं है। ये मतलब नंबर से ना मैं आपको है ना क्वालिटी के हिसाब से बोलूं ना बहुत ही खराब नंबर है। मतलब खराब नहीं, मतलब ये स्टॉक क्यों हरे निशान में मेरी समझ के बाहर है, होना नहीं चाहिए। अगर मुझे बैंकिंग के रिजल्ट्स की समझ है जरा भी तो ये मार्केट को ये रिजल्ट्स ढंग से पढ़ा नहीं, या फिर कुछ ऐसी चीज मैंने नहीं देखी हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन अब तक तो सारे नंबर्स बाहर आ गए, इसके नंबर्स को तो देख के यही लग रहा था कि क्यों exactly. हरे निशान में सिर्फ यही हो सकता है कि शॉर्ट्स बहुत थे तो वो शॉर्ट्स बहुत होने की वजह से एक बार शॉर्ट कवरिंग हो गई ऊपर आ गया वो ठीक है। टेलीकॉम में 30,000 करोड़ का एक्सपोजर है एसबीआई का, आप कब तक बचाएंगे? और दूसरे अगर कर रहे हैं तो आप पे प्रेशर आएगा, इस नहीं तो अगली तिमाही में करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मामला सीरियस है यहाँ पर। अभी एसबीआई में आपको लॉन्ग तो नहीं रहना चाहिए, आप शॉर्ट करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन इन नंबर्स के दम पर लॉन्ग रहने में कोई समझदारी नहीं। पहले शॉर्ट वाले गलत थे, अब लॉन्ग वाले गलत है। 2:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसबीआई की, और उसमें शायद कुछ डिटेल्स निकल कर आए मैनेजमेंट की तरफ से, कुछ कमेंट्री में निकले कि कहां पर उनको स्ट्रेस दिख रहा है, कहां पर इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। तो 2:30 बजे तक का वेट करते हैं हम, एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। स्टॉक हल्का नीचे आया, 3% तक ऊपर था, इस वक्त हल्का दबाव वहां पर देखा जा सकता है। तो एसबीआई बेच के चले, 327 का स्टॉप लॉस और 311, 305 और 295, ये तीन टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं एसबीआई में बिकवाले। चलिए इस वक्त बाजार देखते हैं, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी 340 अंक ऊपर और निफ्टी 12,040 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस पर भी आगे स्ट्रैटेजी समझेंगे, लेकिन अविनाश जी मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, कल बजट है उसके पहले किस तरह की चाल दिख रही है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में एक कॉशस ट्रेंड देखने को मिला है। एक अच्छी बात है कि मार्केट्स में बजट को लेके पहले बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आज काफी बिकवाली देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पूजा, अगर कल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये गवर्नमेंट हटाता है या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है तो आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से सेंटिमेंटली मार्केट्स को ये काफी बात पसंद आएगी, और ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट बढ़ना है ये तो सभी को पता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बजट्स में जो भी नंबर आएंगे मुझे लग रहा है मार्केट्स ये पॉइंट्स क्लोजली वॉच करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मार्केट डिसअपॉइंट नहीं होंगे, वैसे भी आज हम बात कर रहे थे सुबह कि आज हल्का ही दिखे मार्केट तो अच्छा है, कल अगर थोड़ा सा भी अच्छे अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उन स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जो इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसमें कैश सेगमेंट से देखिए काफी कुछ स्टॉक्स है जिसमें कि ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, एक बार यहां पर राय ले लेते हैं। स्टॉक आया तेजी से ऊपर और 5% ऊपर इस वक्त आ चुका है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर। इस पर राय ले लेते हैं एक बार कुणाल जी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के चार्ज देखिए बताइए और कितना ऊपर जा सकता है, कुछ ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं आप स्टॉक में?
देखिए बिल्कुल खरीदना चाहिए पूजा, मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है 230 रुपए के ऊपर, और ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है, और अगर आप रियल एस्टेट में एक अच्छा प्ले खोज रहे हैं तो मुझे लगता है डीएलएफ के अलावा ब्रिगेड वो स्टॉक हो सकता है। तो मौजूदा स्तरों पर मेरी बिल्कुल खरीदारी की राय है, मुझे लगता है कि 233 रुपए पर 233 पर एक स्टॉप लॉस रख ले। ऊपर मुझे लगता है कि 260 रुपए तक सीधा बिना किसी परेशानी के जाना चाहिए, 260 रुपए का टारगेट होगा, 233 का स्टॉप लॉस बाय करने की राय। ओके, तो खरीदारी करने के लिए इन स्तरों पर भी अच्छा ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है। इस बीच एल्केम लाइव यहां पर भी अच्छी तेजी है, 4.5% ऊपर इस स्टॉक में भी कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है एल्केम लाइव के शेयर में। सिमी जी आप बताइए एल्केम लाइव यहां क्या करना चाहिए? पूजा एल्केम लैब मुझे लगता है कि रिकवरी मोड में आ सकता है, एक स्टॉप लॉस 2250 के नीचे लगाना पड़ेगा, और रिकवरी में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 2400 के ऊपर ही आना चाहिए, 2400-2450 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट 2400 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई भी है, और हो सकता है कि ऑल टाइम हाई आज अभी डिटेस्टेड हो रहा है, तो ये क्लियर करके 2450 के आसपास जाना चाहिए। इसमें अच्छा तेजी देखने को मिला है, अभी इसका स्टॉप लॉस 2350 के नीचे ही रखेंगे और 2450 का इंतजार करेंगे, इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। ओके, तो ये है आपके लिए एल्केम लैब पर राय। ओके, स्टॉक्स जो मजबूत दिख रहे हैं उनमें से एक है आज डाबर, 4.5% की मजबूत। इनफैक्ट आज सारे खाने पीने की चीजें वाले और ये कंजम्पशन वाले शेयर मजबूत हो रहे हैं, जुबिलेंट फूड भी अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 3% मजबूत हो गया। डाबर पर जरा एक बार राय दीजिए राजेश जी, क्या करना चाहिए, और मजबूती बची है या फिर 500 के पार बहुत हो गया? जी जिस तरीके से सेटअप है मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट है, और डाबर में जो ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है इसको होल्ड करें करंट लेवल से। और इवन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला, स्टॉक एक नैरो रेंज में, एक जो हमने ओपनिंग के बाद एक रैली देखी थी उसके बाद एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 515-520 तक के टारगेट बनना चाहिए, तो करंट लेवल से 495 स्टॉप लॉस रहेगा और 512-515 तक के टारगेट होंगे। ओके, लेकिन जब आज एफएमसीजी और कंजम्पशन वाले शेयर की बात निकली है तो दो दिग्गज अपने नतीजे देने वाले हैं, आईटीसी और लीवर, दोनों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे अनुमान देख लेते हैं, और साथ ही ये भी देख लें नतीजे आने वाले कब हैं। देवांशी हमारे साथ है, पूरी डिटेल्स लेकर बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए थोड़ी देर में अब एचयूएल के नतीजे आने वाले होंगे, 3:30 के आसपास, बस मतलब इधर उधर कहीं भी हो सकता है। ओके, और आईटीसी बाद में, आईटीसी बाद में। ओके, तो लीवर पहले फिर बताइए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो एचयूएल से सुस्त नतीजों का ही अनुमान बनता हुआ दिख रहा है, और इस बार अगर वॉल्यूम ट्रेंड की बात करें करीब 3% से लेकर 4% के वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान इस बार आता हुआ दिख रहा है। लिक्विडिटी की जो चिंताएं हैं वो अभी भी बरकरार है, दिक्कतें हैं यहाँ पे भी, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा काफी ज्यादा धीमापन बनता हुआ दिख रहा है। इस बार जो आय है करीब 4% से बढ़ती हुई दिख सकती है, और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है करीब 12% से बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन आपको थोड़े से ज्यादा दिखेंगे क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव है इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। 23-24% तक के मार्जिन कंपनी क्लॉकिंग कर सकती है 21% के सामने, और जो मुनाफा है वो करीब 12% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। टैक्स घटने का भी कहीं ना कहीं फायदा कंपनी को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि इनकी जो कच्चे माल की जो कीमतें हैं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी हैं, यानी कि पाम तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, और अब ग्रामीण क्षेत्र में कब तक सुधार आता हुआ दिख रहा है, तो कमेंट्री में इसको क्लोजली वॉच आउट करना होगा। लेकिन इस बार वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं आने वाला है। ओके, तो लीवर में वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और स्टॉक भी आज ठंडा ही ट्रेड कर रहा है। राजेश जी खरीदना है कि बेचना है इसे, या अगर मोटा है तो वो भी बता सकते, कुछ नहीं करना तो वो बोल दीजिए। अनिल जी मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए रिजल्ट का, उसके बाद ही इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक हायर साइड पे जो एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 2075-2080 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा रिजल्ट के बाद। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ही मुझे लगता है कि इसमें कुछ तेजी बनेगी, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो मेरे लिए लोअर साइड का जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट के बाद देखने का वो 2030 का, अगर वो टूट जाता है तो फिर इसमें एक सेलिंग बन सकती है जो कि इसको 2000-2080 तक भी लेके जा सकती है। तो रिजल्ट के बाद ये दोनों लेवल देखने होंगे, 2030 या फिर 2080, ये दोनों में से जो लेवल निकलेंगे उस डायरेक्शन में हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, नितिन जी आपने मेरे ख्याल से एचयूएल पे भी दिया था ना पीसीआर में, नहीं
जी अनिल जी, इसमें जो डेटा तो नेगेटिव बने हुए हैं और 2100 पे काफी फाइटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें गिरने की उम्मीद लग रही है, इसलिए हमने 2000 की पुट ऑप्शन ली है। करीब अभी 32-33 रुपए चल रही है, अपनी बाइंग प्राइस भी 34 के आसपास है। तो जो डेटा ऐसा दिख रहा है कि एचयूएल में तो नेगेटिव बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, रोल ओवर्स भी शॉर्ट साइड हुए। ठीक है, परफेक्ट है। तो 2000 का पुट ऑप्शन लेने की राय दी थी एचयूएल पर नितिन जी ने, और 17 का स्टॉप लॉस 35 के आसपास खरीदने का कहा था, 65 से 70 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया था। इस बीच कोप्लान के रिजल्ट्स आए हैं, मुनाफा 11 करोड़ से घटकर 6 करोड़ रह गया, कमजोर रिजल्ट्स हैं, खराब रिजल्ट्स दिख रहे हैं, 2.5% स्टॉक नीचे। आय भी 105 करोड़ से घटकर 100 करोड़ के आसपास की। आईटीसी, इसके रिजल्ट्स का अनुमान भी देख लेते हैं, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? यहाँ पे भी सुस्त नतीजे ही आने के अनुमान है आईटीसी में, और अगर थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा तो अन्य कारोबार से। सिगरेट की अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो करीब 2-3% रहने का अनुमान है, वो भी हायर साइड पर है। काफी ब्रोकरेज हाउसेस ये एस्टिमेट कर रहे हैं करीब 1% तक की वॉल्यूम ग्रोथ भी आ सकती है सिगरेट कारोबार में। एबिट अगर सिगरेट कारोबार का देखे तो ये भी करीब 5-6% तक की ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन पेपर कारोबार और होटल कारोबार, एग्री कारोबार, ये तीनों कारोबार से थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिख सकता है। कुल मिलाकर जो आय है 5-6% बढ़ती हुई दिखेगी, कामकाज मुनाफा करीब 6-7% बढ़ता हुआ दिखेगा, और मार्जिन्स की बात करें तो करीब 38% के लेवल्स के आसपास मार्जिन्स इंटैक्ट रहने की ही गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। और साथ ही देखिए आप, जो मुनाफा है करीब 20% इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि फिर से एक बार टैक्स घटने का ही जो अनुमान है, इसके चलते आईटीसी का जो मुनाफा है थोड़ा सा बढ़कर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो कितना, 1.5-2% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ, कितनी? 2% के आसपास। और लीवर में कितनी आप वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन? 3%। 2-3% मतलब मजा नहीं है। 3%। तो ये रिजल्ट सारे ठंडे रहेंगे क्या अविनाश जी? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा एक्साइटिंग नंबर होगा, और इस कारण से ही स्टॉक में कोई बड़ी री रेटिंग आएगी अनिल जी ऐसा लग नहीं रहा है। 1-2% अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो वो काफी वीक और टेपिड माना जाएगा। प्लस आईटीसी की अगर बात करें तो ज्यादातर प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स कट से आने वाला है, वॉल्यूम ग्रोथ 1-2% की वॉल्यूम ग्रोथ से शायद यू नो मार्केट इसके कोई पॉजिटिव संकेत लेगा ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी के रिजल्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स का पूर्वानुमान। इस बीच 31,000 के लेवल पर आया बैंक निफ्टी, आज की रेंज का जो हाईएस्ट एंड दिया था हमने बिगर रेंज 31,050, पूजा जी 31,029 का हाई बनाया, एग्जैक्टली वहीं उसी के आसपास पहुंचकर इसने थोड़ा सा चेन की सांस ली है, काफी तेजी से भागा है। निचले स्तरों से देखेंगे तो आप लगभग 325 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आ चुका है, और निफ्टी भी अब निफ्टी अभी भी लाल निशान में है। निफ्टी लाल निशान में है, वो ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में निश्चित तौर से शानदार रिकवरी आई है, ये इकोनॉमिक सर्वे के बाद ही इतनी तेजी आई है। यस, उसके स्टेटमेंट जब हम रीड कर रहे थे तो उसमें यही था कि बैंक में जो इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है, बैंक पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा था, और इसके चलते देखिए इंडेक्स आ चुका है 1% ऊपर इस वक्त। लेकिन इस बीच एक और कंपनी के नतीजे आए हैं, टेक्समैको रेल, यहां पर देखिए नतीजे आए और स्टॉक में 7% की गिरावट। एक बार नतीजा देख लेते हैं कुणाल जी, टेक्समैको रेल के चार्ट एक बार देखिए, आए में बढ़त हुई है 460 करोड़ से बढ़कर जो आय के फिगर्स आए हैं 530 करोड़ आए हैं, यह है रेवेन्यू आपके स्क्रीन पर। मुनाफे का भी नंबर एक बार देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, स्टॉक में 9% तक की गिरावट इस वक्त आ चुकी है टेक्समैको रेल केस में। कुणाल जी चार्ज देखकर बताइए अभी क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो पूजा 37 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, ये लेवल टूटा तो फिर इसमें और गिरावट आएगी, और फिर 34 रुपए का भाव भी आ जाए ये बिल्कुल मुमकिन है। तो मुझे लगता है सबसे पहला काम ये करें कि 37 का एक स्टॉप लॉस रख लें अगर आपके पास कोई पुरानी पोजीशन है, और उछाल में निकलने की मेरी राय है। तो अगर मान लीजिए आज ये इंट्राडे रिकवरी कुछ आ जाए, 41 का भाव दिख जाए, तो मेरी राय में स्टॉक से निकल जाना चाहिए, तो 37 का स्टॉप लॉस जरूर रखें उछाल में निकलने की राय। तो मुनाफा घटा है इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव है, 22 करोड़ से घटकर 16 करोड़ के आसपास के नंबर्स आए हैं टेक्समैको रेल के, ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। चलिए अब से थोड़ी देर में एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स वहां से निकल कर आई है। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर की एक्शन है इसमें उज्जीवन एक बार हम आपको दिखा देते हैं, स्टॉक में भी अच्छी तेजी मिल रही है। 3 फरवरी को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और उसके पहले 4% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। राजेश जी उज्जीवन में क्या राय देंगे आप?
देखिए उज्जीवन में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें लॉन्ग बिल्टअप ही दिख रहा है और मुझे लगता है इसको तेजी ही करके जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप है और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहां से और फर्दर एक्सटेंड करेगा अपमूव। करंट लेवल से बाय करेंगे, फ्यूचर के लेवल 388 है, उसमें हम यहां से 384 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लग रहा है कि इसमें जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, इसमें जो टारगेट आना चाहिए कम से कम 398 इवन 402 तक के टारगेट भी आ सकते हैं, तो उज्जीवन में लॉन्ग करेंगे और 402 तक के टारगेट मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। ओके, उज्जीवन में 402 तक के आ सकते हैं टारगेट। और इस बीच एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं अपने नतीजों के बाद, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहमियत वाली होगी क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट है उसको देखकर कई एक्सप्लेनेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगे जाएंगे। उन पर हम फिर से विस्तार में हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे और बताएंगे आपको कि रिजल्ट के पीछे। तब तक आपके बजट में सस्ता ऑप्शन, इस बजट को लेकर बिगुल रोकिए कि पहले पूरा बोल दूं मैं हमारे बिगुल बजाने की बहुत जल्दी रहती है सबको कंप्लीट नहीं होने देते तुरंत ही। हाँ, कभी कभी आपके बोलते बोलते बिगुल बज जाता है और फिर आप बोलते रहते हो और फिर बिगुल बाद में बजता है। सब आजकल तो सब जगह बजता है चलिए बिल्कुल बजा ही दीजिए। स्पेशल पार्टनर टाटा एल्ट्रॉस, द गोल्ड स्टैंडर्ड, इंडिया सेफेस्ट कार। ओके, बिल्कुल बज चुका है, हर रोज बजता है, महीनों से बज रहा है, सालों से बज रहा है, ठीक है। ओके, जय ठक्कर हमारे साथ है, आपके बजट में सस्ता ऑप्शन बता देंगे। तो मैं अब बता दूं कि आज हमने आपके लिए हर घंटे एक सस्ता ऑप्शन लाने की कोशिश की है ताकि बजट को आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। यह सस्ता ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, जय ठक्कर बताने वाले। जय, यार आवाज नहीं आ रही है आपको? अरे बताओ तो। अरे आपकी भी गलती नहीं है सर, देखो ईमानदारी की बात है, हमने बिल्कुल पहले बजा दिया और बैकग्राउंड दिया बाद में, क्योंकि क्या मैं पहले बैकग्राउंड दे रहा था तब तक बिगुल बज गया। अरे जी कोई बात नहीं, 320 का एसबीआई का ही कॉल ऑप्शन खरीदना है जी। अच्छा, बढ़िया सा रिवर्सल, फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकआउट, थ्री वेव करेक्टिव पैटर्न खत्म हो चुकी है। 20 रुपए के टारगेट के लिए 320 का कॉल ऑप्शन खरीदना है एसबीआई का, 11 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 11 रुपए का स्टॉप लॉस अभी क्या चल रहा है, ये ऑप्शन चल रहा है 14 रुपए में, ठीक है 14 रुपए, और इसको 20 रुपए के टारगेट के लिए लेना। वाह क्या बात है, एक पुट एक कॉल, मजेदार हो गया है। तो एसबीआई तो मतलब एकदम सही कुश्ती वाला काम हो गया। चलिए, तो ये है आपके लिए आपके बजट में, एक ही है या और भी कोई है? चलिए ठीक है, तो जय ठक्कर कह रहे हैं कि एसबीआई का ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। तो चलिए, एसबीआई का ऑप्शन खरीदने का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुन लीजिए चेयरमैन रजेश कुमार साहब को। बोथ सिक्वेंशियली एंड वेरी सब्सटेंशियली YoY, we have also mentioned in our press note and the filing to the stock exchange that there was a slippage, one large HFC which is under administration, but that was known in September quarter, and the total amount loan book is 7,100 crore and the bond of about 2,900 crore. The bond, the mark to market provision of 50% has been done as per the valuation given by FEDAI. On the loan book, 20% provision has been done, which is higher than what is required by the regulation, and the overall provision, if we take into account the bond and the loan, the current provision is approximately 29%. And in the this quarter, which is March 20 quarter, based on the progress of the resolution and the overall assessment about the recoverability, we will provide whatever is required during the current quarter. So, considering that there has been challenges before the banking industry, I would consider that with some help from IBC, where bank had a very good recovery as far as SR Steel is concerned, which was one very large asset
which got resolved during the quarter, and of course some setback on account of slippage of the housing finance company. And these are the two, I would say, exceptional items, both on the income side and the expense side, but otherwise on all parameters. ओके तो ये थी एसबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने भी एक बड़े हाउसिंग फाइनेंस अकाउंट की बात की जिसके सामने थी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है और भी डिटेल्स जैसे जैसे निकल कर आएंगी हम आपके सामने रखेंगे. लेकिन इस बीच बिगुल का वक्त है बीटीएसटी का कुणाल जी के लिए. बताइए सर. पूरा खरीदारी की राय है और खरीदना है एनआईआईटी टेक, जिसमें कि दो दिन का करेक्शन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है. आज आप देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है. पिछली सीरीज में इसने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और मुझे लगता है वापस से नई तेजी बनती हुई दिख रही है. इन स्तरों पर यहां पर बाय करें. यहां 1912 रुपए पर 1912 पर एक स्टॉप लॉस रख लें. ऊपर 1975 और 2000 दो लक्ष्य होंगे, 1975 एंड 2000, जिसके लिए बाय करना है एनआईटी टेक को. ओके एनआईटी टेक खरीदारी करने की राय. कुणाल जी स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे. 1912 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है पूजा. पहला टारगेट 1975 का और दूसरा टारगेट 2000 का, 2000 का होगा. ठीक है तो ये है एनआईटी के स्टॉप लॉस और टारगेट. खरीदारी करके चलिए. 1975 और 2000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में. चलिए नतीजों पर ही फोकस करेंगे और आज टेक महिंद्रा और वेदांता के नतीजे भी आएंगे. बाजार बंद होने के बाद ये दोनों ही कंपनियों के नतीजे आएंगे और टेक महिंद्रा से क्या अनुमान है ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ मौजूद है और वेदांता का नतीजे बताएंगे आशीष. तो पहले कुशल आप बताइए टेक महिंद्रा से क्या उम्मीद कीजिए. नंबर्स जो है पूजा मिले जुले रह सकते हैं क्योंकि डॉलर आय में करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि सितंबर में जो एटीएनटी के साथ इन्होंने डील की थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो इसमें फैक्टर इन होता हुआ दिखेगा. वो करीब 1 मंथ का होगा. उस वजह से कहीं ना कहीं डॉलर आय मजबूत रहने का अनुमान है. वहीं अगर आप मार्जिन देखें तो वो करीब 40 बेसिस पॉइंट घट सकती है क्योंकि यहां पर इनका जो एटीएनटी डील को लेकर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है जिस वजह से मार्जिन पर थोड़ा सा असर आता हुआ दिख सकता है. हालांकि मुनाफा भी अगर आप देखें तो वहां पर भी करीब 11.5% की कटौती देखने को मिल सकती है. 1124 करोड़ के मुकाबले 994 करोड़ का मुनाफा कंपनी का रह सकता है क्योंकि इनका जो टैक्स खर्च है वो बढ़ गया है, उसका इंपैक्ट जो है इनके मुनाफे में देखने को मिल सकता है. अब मैनेजमेंट जो है आगे के लिए जो कम्युनिकेशन सेगमेंट है 5G को ध्यान में रखते हुए क्या कमेंट्री करती है वो देखना होगा और दूसरा एटीएनटी डील पर क्या प्रोग्रेस चल रही है उस पर अपडेट हमें चाहिए. तो कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी टेक महिंद्रा के केस में और उसके पहले नतीजों के पहले देखिए हल्के हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है. अविनाश जी टेक महिंद्रा नंबर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि नंबर्स में ऐसा कोई बड़ा यू नो रीरेटिंग वाला काम होगा नहीं क्योंकि ओवरऑल मार्जिन्स में कटौती आने की उम्मीद है. लेकिन जो कमेंट्री आएगी और प्लस जो एनटी डील का जो प्रोग्रेस है वहां पे मार्केट चाहेगी कि कितने जल्द ये इंटीग्रेट हो. बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि कमेंट्री एज वेल एज जो नए क्लाइंट विंस है वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी. तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पे पोजिशन ली जा सकती है. ठीक है तो नतीजों के बाद नतीजे अवेटेड रहेंगे. कॉमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी उसके बाद यहाँ पर पोजिशन ले सकते हैं. सलाह इस वक्त टेक महिंद्रा में नहीं है. चलिए वेदांता भी अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगा और कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए आशीष हमारे साथ बने हुए हैं. आशीष बताइए. पूजा नतीजे कमजोर रहेंगे. सालाना आधार पर अगर आप देखें तो मेटल की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली. इसका असर आपको सीधा साफ नतीजों पर देखने को मिलेगा. लेकिन एक सरप्राइज है इसमें कि पिछली तिमाही सितंबर तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो इनके एल्यूमिनियम सेगमेंट में कुछ बेहतर मार्जिन रिपोर्ट हुए. कारण यह है कि एल्यूमिनियम की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है, कोल की कीमतों में भी गिरावट आई है. इसका फायदा इनको जो ऊर्जा लागत है उसमें कमी आई है. तो अगर आप सितंबर तिमाही के हिसाब से देखें तो जो इनका मार्जिन है वो 20.3% से बढ़कर 22% रहेगा. लेकिन सालाना आधार पर काफी निराशा देखने को मिलेगी मार्जिन के फ्रंट पर क्योंकि 24% से घटकर करीब 22% रहेंगे इनके मार्जिन और इनका जो कामकाजी मुनाफा है इसमें 15% की गिरावट देखने को मिलेगी. टॉप लाइन में भी दबाव देखने को मिलेगा, लगभग 8% की गिरावट है और मुनाफे में 33% की गिरावट देखने को मिलेगी. 1055 करोड़ रहने का अनुमान है. मार्जिन पर खास ध्यान रखना होगा सितंबर तिमाही से लेकर अब कितनी रिकवरी देखने को मिलती है और कुल मिलाकर अगर आप देखे जाए तो नतीजे कमजोर रहेंगे. तो कमजोर नतीजों का अनुमान है और स्टॉक में देखिए उसका असर भी दिख रहा है. स्टॉक करीब करीब 1% नीचे इस वक्त कारोबार भी कर रहा है. राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे वेदांता नतीजों के पहले किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में.
देखिए चार्ट पे देखें तो स्ट्रक्चर तो काफी वीक है और हमने देखा इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और स्टॉक अपने इसके पुराने जो स्विंग लो है जो कि 136-137 है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा रिजल्ट के बाद। अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे तो लगता है कि और इसमें वीकनेस बढ़ना चाहिए जो कि इसको 132 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। पुलबैक में अगर कोई पुलबैक ट्रेड भी बनता है तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इतनी जल्दी 145 का लेवल क्रॉस करेगा। तो अगर 145 के नीचे ये बना रहा तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर 137 का लेवल भी टूटेगा और 132 इवन 130 तक के लोअर साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो वेदांता में ये रणनीति अपनी अपनानी चाहिए और कमजोरी भी यहाँ पर देखने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी जानने का। तो स्ट्रेटजी आने से पहले एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स से क्या हाल है। डाउ फ्यूचर्स नीचे है 70 अंक नीचे, डाउ फ्यूचर्स नैसडैक में भी 36 अंक की कमजोरी, तो लाल निशान में ही दोनों कारोबार कर रहे हैं। यूरोपीय बाजार मिले जुले हैं, फुटसी नीचे है 21 अंक लेकिन ज्यादा कुछ कमजोरी यहां पर नहीं है, तो सपाटी ट्रेड कर रहा है, मिला जुला रुझान है यूरोपियन बाजार से। एशियन मार्केट का हाल भी एक बार देख लेते हैं, निकाय ऊपर बंद हुआ लेकिन कॉस्पी और हैंडसैक यहां पर कमजोरी इस वक्त देखी जा सकती है। और देख लेते हैं कच्चा तेल, ये 58 के आसपास कारोबार कर रहा है और नाइमेक्स पर भी 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हर निशान में है, हल्की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और डॉलर रुपी 71.29, तो मजबूती है इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है डॉलर रुपये में। तो संकेत कैसे लग रहे हैं आपको, डाउ फ्यूचर 70 अंक नीचे, खाली डाउ नीचे है बस, डाउ नीचे बाकी ठीक है मिले जुले से है। बाकी हांगकांग तो ठीक है, 125-150 नीचे, रुपया अच्छा मजबूत हो गया, 71.48 कल बंद हुआ था ना, अभी चल रहा है 71.30 यानी 18 पैसे मजबूत है, रुपया अच्छा मजबूत है, करेंसी मजबूत है। कच्चा तेल 60 के आसपास है, नीचे 60 के नीचे 59-60 की रेंज में है, 59 के नीचे आ गया। तो ज्यादातर संकेत तो अच्छी, खाली डाउ फ्यूचर को छोड़ देता हूँ, उसके अलावा तो दिक्कत नहीं। बेसिकली हमें तो कल ट्रेड करना है, वैसे भी बजट पर है। ठीक है, अब आइए पहले निफ्टी देख लेते हैं जी। ठीक है, कहाँ है ये रहा 12,026। देखिए आज का लोग 11,950 का नीचे की रेंज दी थी, वहां तक जाकर आया है। ठीक है ना, और ऊपर की रेंज जो है निफ्टी की 12,100 की, तो नीचे वाली रेंज तो इसने तीसरी वाली रेंज ले ली, ऊपर वाली रेंज पहली वाली में थक गया। आप समझ रही बात को, 12,125 ये रेंज थी, तो अभी हम स्मॉल रेंज के निचले स्तर पर हैं, ऊपर वाला छू लिया। नीचे से आप देखेंगे तो आपको 75.60-70 पॉइंट ऊपर दिखेगा, लेकिन ऊपर से आपको 75 पॉइंट नीचे दिखेगा, तो कमजोरी तो है इसमें कोई डाउट नहीं। 12,000 का लेवल हम होल्ड कर पाए ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो मेरे लिए है ना निफ्टी में अभी इस रेंज के बीचों बीच में कोई ट्रेड नहीं है, मैं लेना भी चाहता, क्योंकि देखिए 12,000 के पुट पर 46 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, और इस 46 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पर है, तो मेरे लिए एक तरह से थोड़ा नीचे आएगा 11,950-75 की रेंज में, तो वहां खरीदने का मौका बनेगा। 12,100 की तरफ बढ़ेगा तो वहां बेचने का मौका बनेगा, रेंज के बीच बीच में निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं। ओके, तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए निफ्टी पर, 12 निफ्टी में फिलहाल ये राय आपको दिख रही है। तो और बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है, 280-300 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पर दिख रही है, कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? 31,000 पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ से और 100 पॉइंट बढ़ जाने दें, बीच में था भी, बैंक निफ्टी शॉर्ट किया जा सकता है, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। ओके, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 30,900 पे बेचिए, नहीं तो मेरी राय होगी 31,000 की जितना नजदीक बेच सके उतना बढ़िया। 31,100 का आपका स्टॉप लॉस है, फिर 31,900-850-800 ये सारे टारगेट, 50-50 पॉइंट नीचे हर जगह सपोर्ट है वो टारगेट सके, तो 31,000 के नजदीक बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए और 31,100 का स्टॉप लॉस, 30,900-30,850-30,800 ये सारे टारगेट्स, नीचे के मिनिमम 200 पॉइंट के टारगेट। तो ये राय बैंक निफ्टी में 31,000 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट करने की राय आपको दी जा रही है। निफ्टी में यहाँ पर कोई भी ट्रेड नजर नहीं आ रहा है, 12,000 करीब करीब 23 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर एक बार स्टॉक को दिखाइए, स्टॉक तेजी से आया है ऊपर और 8% की मजबूती इसे दिखा रहा है। ये सुबह कुंज जी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया था, उनकी पसंद थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, तेजी आई थी 4% ऊपर आया था, लेकिन उसके बाद देखिए एक और शानदार तेजी बन गई है और स्टॉक 8% ऊपर इस वक्त आ चुका है। इस बार राय ले लेते हैं सिमी जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के चार्ट देखिए जो तेजी बन रही है, नेक्स्ट लेवल्स क्या देख रही हैं आप? Yeah.
देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 295 से 310 का रेंज एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए मैं देख रही हूँ। 295 का पहला टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई ऑलरेडी है, और 2018 में वो 295 का ही हाई बना था, उसके बाद से गिरावट चालू हुआ था, तो वो हाई पहले क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद 310 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए मिनिमम। काफी शानदार फॉर्मेशन है चार्ट का, तो शानदार तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में भी। और आज हम देख रहे हैं सुबह चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। डीएलएफ एक बार यहां पर फिर से राय ले लेते हैं, 2% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है डीएलएफ का शेयर। राजेश जी क्या राय देंगे डीएलएफ इन स्तरों पर खरीदारी के लिए, ऐसे कैसा लग रहा है शेयर आपको? जी हाँ, डीएलएफ में अगर हम देखें तो जो पिछले दिनों में जो इसमें एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला स्टॉक में, और स्टॉक ने एक बेस बनाया एक्यूमुलेशन का 250 के आसपास, जिस तरीके की आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 262-263 ये जो एक लेवल है ये क्रॉस कर लेगा, तो इसमें जो एक अपमूव था वो कंटिन्यू रहना चाहिए स्टॉक में। मुझे लगता है 275-280 तक के टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे, तो करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ से हम 254 का रखेंगे, और मुझे लगता है 262 क्रॉस होते ही इसमें एक अच्छी अपमूव देखने को मिलना चाहिए, जो कि इसको 275 इवन 280 तक भी लेके जा सकता है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, इसमें व्यू बुलिश रख के ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, ये है राय आपके लिए डीएलएफ पर, और इस बीच आपको मिलेंगे 20 बेहद दमदार शेयर, और उनका नाम है स्पेशल 20। स्पेशल 26 तो आपने देखी स्पेशल 26 क्या था उसमें? मूवी थी अक्षय कुमार की, मतलब देखिए इसका मतलब हाँ। किस चीज पे? पुरानी स्टोरी थी वो इनकम टैक्स रेड पर, मूवीज के बारे में तो अच्छा ओके तो चलिए देखिए स्पेशल 26, आप देखेंगे स्पेशल 20, और वो स्पेशल 20 लेकर आ रहे हैं संदीप। ये वो स्पेशल 20 है जिन पर आपको रखनी है नजर, कब? कल बजट के दौरान और बजट के पूरे दिन। ये वो शेयर है जहां बजट के दिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तैयार है संदीप? आप सर मैं आप अगर अलाउ करें ना तो मुझे वो स्पेशल 26 की आपने बात करी, मुझे उसका एक डायलॉग याद है, स्टोरी तो मुझे याद नहीं थी, पूजा ने बताया तो मुझे याद आई, असली काम तो यही कर रहे हैं हम तो बस यस नो यस 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 राइट, तो असली काम यही करेंगे हमें लगता है, असली काम ये स्पेशल 20 करेंगे। कौन कौन से हैं ये स्पेशल 20? देखिए सर, इस बार बजट की जहां तक बात है तो इंफ्रा, रियल एस्टेट, सीमेंट, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनके इर्द गिर्द हो सकता है कि कुछ बड़े ऐलान इस बार बजट में आते हो दिखें। तो जहां तक रियल एस्टेट की बात है या इंफ्रा की बात है, तो रियल एस्टेट में डीएलएफ एक नाम है जो कि सबसे पहले आपको याद आएगा, उस लिहाज से एक बड़ी जो उसके बाद कंपनी आपको याद आएगी वो शोभा है, तो डीएलएफ, शोभा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। जहां तक इंफ्रा की बात है तो एलएनटी, ये हर किसी के नाम पे मुंह पे ये नाम आपको नजर आएगा, जहां तक इंफ्रा में बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं तो एलएनटी के बाद अगर आपको कोई नाम चाहिए तो वो एनसीसी हो सकता है। और उसके साथ साथ आप देखिए कुछ बाकी जो इनडायरेक्ट प्लेज है उसमें आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए, एचडीएफसी जैसी, एलआईसी हाउसिंग, जो भी आपको पसंद आए, ये वो नाम है जो कि बजट के दिन फोकस में रहेंगे। और उसके साथ साथ आप देखिए अगर घरों पर फोकस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो पाइप्स की बात करें या फिर केबलिंग की बात करें, वो बहुत सारी इंडस्ट्री जो कि इस पर डिपेंडेंट होंगी, तो एस्टल पॉली एक स्टॉक है जो कि हो सकता है कि इसके चलते फोकस में रहता हो दिखे। अब आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा आज, तो उसमें साफ तौर पर यह मेंशन था कि जो रियल एस्टेट की कीमतें हैं वो काफी ज्यादा है, उनको घटाने की जरूरत है। अगर बिल्डर्स या रियल एस्टेट वाले ऐसे करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए काफी ज्यादा फायदा, उनकी बैलेंस शीट में सुधार हो सकता है। तो इस कदम से आप देखिए फिर जो बैंक्स और जो एनबीएफसी हैं वो भी फोकस में रहेंगे। एसबीआई एक नाम है, प्राइवेट बैंक्स में एसबीआई, एक्सिस बैंक, जो आपको पसंद है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो एनबीएफसी हैं उनके लिए काफी एक्सपेक्टेड है कि इस बार बजट में कुछ लिक्विडिटी को लेकर, इनकी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर अनाउंसमेंट आ जाए, तो बजाज फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस या कोई भी नाम जो आपको पसंद है फाइनेंस, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, बजट में ये तो बात होगी कि ग्रोथ को कैसे पुश दिया जा सकता है। अब जो सरकार के राजस्व है, जो पैसा आना है, उसमें डाइवेस्टमेंट यानी कि विनिवेश बहुत अहम है, तो बीपीसीएल एक नाम है जो कि हर किसी के पास है, जो वो कह रहे हैं कि इस बजट में फोकस में रह सकता है। सरकारी कंपनियां वैसे भी फोकस में रहेंगी, सरकार को अगर पैसा चाहिए तो बड़े डिविडेंड की जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ इन कंपनियों को लेकर हो सकता है कुछ नेगेटिव आता हो दिखे, तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा पुश देने की जरूरत है, तो डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेस जो कि कोर है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं फोकस में रहती हुई दिख सकती हैं।
साथ ही साथ सर एक चीज से तो आप भी एग्री करेंगे, आप जनवरी की शुरुआत से कह रहे हैं कि गैस कंपनियां फोकस में रहेंगी, गैस बेस्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो आईजीएल एमजीएल गुजरात गैस जो आपको पसंद है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वाटक विभाग जैसी कंपनियां क्योंकि जल शक्ति मिशन जो है उसको लेकर बड़े अनाउंसमेंट इस बार आ सकते हैं। साथ ही साथ गांव में जिस तरह से हम ब्रॉडबैंड पहुंचाने की बातचीत हो रही है तो आईटीआई डी लिंक जैसी जो कंपनीज है वो भी फोकस में रहेंगी। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि ऑटो सेक्टर की जहां तक बात है तो जो आगे होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके उसको लेके बड़े ऐलान कहीं ना कहीं इस बजट में हो सकते हैं, तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रा जेबीएम ऑटो ये सभी स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। और इस बार इंश्योरेंस को लेके बहुत सारी बातचीत है इस बजट में, हो सकता है कुछ एफडीआई निवेश को लेके जो नियम है वो कहीं ना कहीं आसान होते हुए दिखे या तो फिर कुछ और भी अनाउंसमेंट है जो कि आते हुए दिखेंगे, तो लाइफ और जो जनरल इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। फार्मा की जहां तक बात है तो स्पार्क इंजिन जो आरएनडी वाली कंपनी है उनके लिए हो सकता है कुछ छूट आती हुई दिखे, तो उस लिहाज से स्पार्क फोकस में रह सकता है हॉस्पिटल में, चाहे वो मेडिक्लेम से रिलेटेड हो या फिर जो बाकी अगर आप छूट की बात करें तो हॉस्पिटल स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। अब नेगेटिव की जहां तक बात है तो आईटीसी एक नाम है जो कि बहुत पिट चुका है ऑलरेडी, तो अगर नेगेटिव नहीं आया तो पॉजिटिव होता वो दिखेगा, अगर कोई सेस वेस लग गया या टैक्स बढ़ गया तो ये दिक्कत में रहेगा। और दूसरी बात है टाइटन, अमूमन हम देखते हैं कि गोल्ड को लेके या ड्यूटीज को लेकर कोई ना कोई टिंकरिंग जरूर बजट में होती है, तो आईटीसी के अलावा टाइटन को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो ये 20 मोटा मोटी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज या स्टॉक्स हैं जो कि बजट के चलते फोकस में रहेंगे आज कल और सोमवार को भी। ओके, ये तमाम स्टॉक्स है जिन पर आपको बजट के दिन 2020 के बजट में ये स्पेशल 20 है इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, अगर आपने मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं, आपको साइड में जो है ना जहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी बातें जो लिखी जा रही वहीं पर आपको ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप देख लीजिए। इस लिस्ट में कोई एक दो अच्छे स्टॉक जो आपको पसंद आ रहे हो? वैसे सारे अच्छे हैं। आई थिंक इंफ्रा की बात करें तो एलएनटी काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे आया है, और अगर पानी की बात करें तो हमको लग रहा है कि एस्ट्रल पॉली और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये दोनों ही अच्छे विकल्प बन सकते हैं। मेरे ख्याल से बजट के पहले भी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, मुझे लग रहा है जरूर इस एरिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही कल बजट में आना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय एस्ट्रल पॉली एलएनटी जैसे शेयरों में ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओके, तो इन पर रखिएगा आप फोकस, इसी तरह की कुछ बेहतरीन रिसर्च और कवरेज आपको और मिलने वाली है जो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे इस वक्त, लेकिन आइए फोकस करते हैं आगे कुछ और शेयरों पर। और इस बीच आईटीए के एफपी फिर तारीख बढ़ गई, आज खत्म होने वाला था ना ये तो फिर से बढ़ गई तारीख। ओके, आईटीआई के एफपीओ की तारीख 5 फरवरी तक बढ़ गई। एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, दे दूं सर? बताइए। कुछ कुछ आईपीओ में सरकारी कंपनी के आईपीओ में ऐसा कर देना चाहिए कि जब तक नहीं भरे तब तक खुला रहेगा जब ऐसे ही बढ़ा नहीं बार बार तो रहने दो ना, फिर जिस दिन भर जाएगा बंद कर देंगे ये तो क्या बात है फिर से। अच्छा, अगर आईपीओ की तारीख बढ़ी है 3 दिन से तो प्राइस बैंड भी कम किया होगा, पहले 72 से 77 था, 72-77 अब 71 से 77 ये बरकरार रखा है, ये समझ के बाहर है। ओके, एक जो दिक्कत हमने सुनी है बाजार में इसका आईपीओ भर क्यों रहा है, क्योंकि मार्केट्स में ऐसा डर है कि जो इक्विटी डाइल्यूशन अनिल जी आएगा वो मेरे ख्याल से 15-18% आएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है शायद शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए हम समझते हैं कि ऑर्डर बुक अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली अगर लॉन्गर टर्म कोई निवेश करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट शायद लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो ये ऑलरेडी लिस्टेड है तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आपको इमीडिएटली मिलेगा लिस्टिंग पे, आई मीन जो शेयर्स पे, वो शायद हो नहीं सकता, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अट्रैक्टिव प्राइस है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, आप कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मामला मुश्किल भरा। चलिए दूसरी बार, ये तो मैंने भी पहली बार ही देखा कि कोई दूसरी बार अपना प्राइस बैंड बढ़ाए और टाइम भी बढ़ाए, तो चलिए 71 रीजन भी आ गया बैंकों, अरे बैंकों की हड़ताल की वजह से, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया रीजन मिला है, ठीक है अच्छा रीजन है एक्सेप्टेड, ठीक है। आज कब है हड़ताल? आज है ना, आज और कल, आज भी है, अगर नहीं मानेंगे तो और एक्सटेंड होगी फिर उनकी मांगेंगे नहीं। ये आजकल एप्लीकेशन लगाने के लिए बैंक जाना पड़ता है आईपीओ में एफपीओ में? मेरे ख्याल से ऑफलाइन, ऑफलाइन भी सब तो ऑनलाइन है, नहीं नहीं कहीं कहीं जगह पे तो ऑफलाइन भी है। अच्छा फिर तो ठीक है, अगर ऑफलाइन भी है तब तो हड़ताल, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है अनिल जी तो आपको तो पता होगा कि पीएसयू बैंक्स में तो आप लोग फिजिकल आजकल वो कुछ कुछ आई तो कंपलसरी कर।
भीम ऐप के थ्रू और इनके थ्रू आपको करना पड़ता है, तो पता नहीं अब जो भी है ठीक है भैया। जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके लिए 3 दिन का मौका और लगाओ आप 5 बजे तक। 71 से 77 प्राइस बैंड वही है, हड़ताल की वजह से बढ़ा दिया गया है। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल बहुत देर बाद वागले साहब अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल बेस BTS डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी बेचना है जज डायल को, 568 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने तोड़ा है, 570.50 के स्टॉप लॉस से मैं बेचूंगा करंट भाव पे 565-565.50 पे। मुझे लगता है ये 10 रुपए की मुंह आपको नीचे दे सकता है, 554-555 का मेरा टारगेट होगा। बस 10 रुपए बस। अनिल जी आज और कल के लिए है, कल बजट है तो क्यों लंबा व्यू लेना। ठीक है बजट अब से लेकर कल तक सुबह 11 बजे के पहले पोजीशन खत्म कर लीजिएगा। जस्ट डायल 570.50 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचना है 570.50 और ये शॉर्ट कीजिए आप 565 के आसपास 555 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल 13% ओपन इंटरेस्ट बनाए सीरीज के पहले दिन, स्टॉक 2.5-3% कमजोर है, साफ संकेत कमजोरी के वायदा कारोबार में दिख रहे हैं, गिरना बाकी है और गिर जाएगा वागे साहब के बोलने के बाद। लेकिन इस बीच मैग्मा फिनकॉर्प इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए, 3% स्टॉक नीचे है। आमतौर पर एक जमाने में 5% की सर्किट का हुआ करता था, 5% के ऊपर के सर्किट पर ही या कभी कभी नीचे के सर्किट पर भी ट्रेड करता था। तो अब देख लेते हैं रिजल्ट के बाद किस तरह की सिचुएशन है। 620 करोड़ से आय घटकर आई है 610 करोड़, थोड़ा सी कमी है आय में। मुनाफा भी देख लिया जाए किस तरह का मुनाफा है, 74 करोड़ से घटकर 22 करोड़, रिजल्ट तो ढीले ही है ना, अच्छे तो नहीं कह सकते इनको। जरा सिमी जी इसके चार्ज देखिए, मैग्मा फिनकॉर्प कितना गिर सकता है। देखिए 54-55-53 इसी के आसपास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट तो जरूर रिटेस्टेड होगा, पर वो 53-54 का सपोर्ट अगर टूट गया तो इसमें फ्रेश वीकनेस चालू हो जाएगा, जब जो इसको 50 तक ले जा सकता है। फिलहाल वीकनेस है और मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले से होल्ड एक बार उछाल में या करंट लेवल पर एक बार एग्जिट हो जाने से बेहतर है। ओके ठीक है, तो ये रहा है मैग्मा फिनकॉर्प में, कोई भी उछाल आपको दिखता है निकालने की कोशिश करें इस स्टॉक से। इस बीच कुछ बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी तेजी है, जो नंबर्स आ रहे हैं जिस तरीके से उसके चलते आज यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कैनफिन होम्स, ये लाल निशान में था लेकिन अब अच्छी तेजी आई है और हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है कैनफिन होम्स का शेयर भी। यहाँ पर राय दीजिए राजेश जी, कैनफिन होम्स में क्या करना चाहिए। देखिए कैनफिन होम ने हमने जो पिछले वीक एक बड़ी तेजी देखी थी और उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो चुका है और स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 490 का लेवल निकाल पाता है तो फिर यहाँ से इसमें कंटिन्यूटी रहेगी और फिर हो सकता है हमें इसमें 520-525 तक के भी टारगेट हायर साइड पे देखने को मिले। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है बट मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद इसमें अगर ट्रेड इनिशिएट करें तो इसमें एक फास्ट अपमूव देखने को मिलेगा और जल्दी प्रॉफिट बनेगा। करंट लेवल पे अगर बाय करना है तो इसमें थोड़ा सा एक्युमुलेट करना पड़ेगा, लोअर साइड पे मुझे लग रहा है 470 और 466 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वहां तक भी अगर ये करेक्ट होता है तो इसको थोड़ा सा एक्युमुलेट करना पड़ेगा उस रेंज तक। 490 के बाद मेरे हिसाब से ट्रेड सेटअप जो बनेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 490 के बाद काफी अट्रैक्टिव रहेगा, स्टॉक में 520 बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा, तो या तो वेट करें 490 का ब्रेकआउट होने दें फिर बाय करें। ओके तो एक ब्रेकआउट का वेट करें उसके बाद यहाँ पर खरीदारी करने की राय कैनफिन होम्स में। इस पर तो जुबिलेंट फूड सिमी जी यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है, 3.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है जुबिलेंट फूड का शेयर भी, क्या ट्रेड करना लेके चलना चाहिए स्टॉक में। ट्रेड तो पूजा जिनके पास ऑलरेडी है लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करे और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पर करंट लेवल पर कोई फ्रेश बाइंग रेकमेंड करना मुझे बहुत रिस्की लग रहा है, तो यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड मुझे सजेस्ट नहीं करना है, पर लॉन्ग पोजीशंस अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मिनिमम टारगेट 1920-1930 का होगा और स्टॉप लॉस अभी पहले तो 1850 का मैंने दिया था, तो अभी वो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 1870 का स्टॉप लॉस के साथ, जो भी पोजीशन है लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1920-30 का टारगेट के लिए। ओके ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर आए और स्टॉक बड़ी तेजी के साथ करता हुआ कारोबार। अब आइए
बजट के दिन बाजार कैसा रहता है, ये सब आप जानना चाहते हैं। बजट के एक हफ्ते पहले कैसा रहता है वो आपने देख लिया, बजट के एक हफ्ते बाद कैसा रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। तो ये सारी रिसर्च अब तक के बजट जो आए उनकी निकाल कर लाए हैं संदीप कि बजट के दिन क्या मूव रहता है, कितना ऊपर नीचे होता है, क्या रेंज रहती है, कितना परसेंट के मूव आते हैं, बजट के हफ्ते में पहले कैसा रहता है, बजट के हफ्ते के बाद कैसा रहता है, सारी रिसर्च है ये एक्सक्लूसिव और बेहतरीन रिसर्च बजट से रिलेटेड संदीप के पास। संदीप बताइए। देखिए अनिल जी, जहां तक बजट के दिन की पहले हम बात करें तो अमूमन मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा है और 13 ऐसे बजट्स हैं जो कि हमने कवर किए हैं, उसमें से अगर आप 13 बार में से देखें तो 7 बार बाजार में ऐसा हुआ कि गिरावट हुई है और 6 बार हमने देखा कि बढ़त देखने को मिली है। अब अगर आप देखें तो जो बड़ी गिरावट या बड़ी कोई तेजी आएगी इसकी जो आप गुंजाइश है वो काफी कम नजर आती है, लेकिन हाँ अगर गिरावट होती है तो उसकी जो मात्रा है वो तेजी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप देखें जब से ये एनडीए सरकार आई है उसके बाद से अगर आप देखें तो बजट के दिन का जो रिएक्शन है वो अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले जो अगर आप 2013 में या 2012 में देखेंगे तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो काफी कम देखने को मिलता है। अब जो रेंज है वो मैं अगर आप देखें तो आधे से 1% के आसपास की आपको नजर आएगी। ये देखिए ये बजट के दिन के रिएक्शन है, ये 2009 से हमने आंकड़े लिए हैं। देखिए बजट 9 में जब बजट आया था 3.5% का फॉल आपको एक ही में देखने को मिला था, तो उस लिहाज से उसके बाद अगर आप देखें 2014 के आंकड़े जब आपके सामने आएंगे तो आप देखेंगे जो रिएक्शन है बजट के दिन का वो आप देखिए कम होता जा रहा है, उसमें सीमित होता जा रहा है जहां तक रिएक्शन की बातचीत है। केवल 2017 में ऐसा हुआ था जब मार्केट्स में बजट के बाद करीब 2.5% के आसपास ही गेंस बनते हुए दिखे थे। ये देखिए 2017 का आपके सामने आंकड़ा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आंकड़ों में कोई खास एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन ऊपर या नीचे की ओर नहीं देखने को मिलता है। इवनली बैलेंस है जहां तक बजट के दिन की बात है। अब अगर आप बजट से पहले और उसके बाद की बातचीत करें तो बजट से पहले हम देखते हैं कि अमूमन क्योंकि अब ज्यादातर अनाउंसमेंट्स बजट के बाहर ही होते हुए देखते हैं तो उस लिहाज से जो ज्यादा एक्शन है वो बजट के पहले तो आपको तेजी की ओर जरूर देखने को मिलता है। कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे आप 17 की बात कीजिए या तो फिर फरवरी 2019 की बातचीत कीजिए, यहां पे हमने जरूर बड़े गेंस बनते हुए दिखे थे, लेकिन बजट के बाद वाला जो हफ्ता है वहां पे एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो तेजी की गुंजाइश है, अगर आप पिछले 3 साल का डेटा छोड़ दें तो पहले जो तेजी की गुंजाइश है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। देखिए 2010 में 11 में 3.5% के आसपास गेंस आपको बनते हुए दिखे थे, इसके बाद का अगर आप डेटा देखें 2016 या 2017 तक का तो आपको धीरे धीरे जो असर है वो कम होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखें खासतौर पे तो उसमें आपको ये नजर आएगा अनिल जी, ये देखिए 16 में तो आपको 7% के आसपास गेंस देखने को मिले थे एक हफ्ते की जहां तक बात है, लेकिन आप पिछले 3 साल का डेटा खासतौर पर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि बजट के एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे तो आपको गिरावट ज्यादा नजर आएगी। अगर आप 2017, 2018, 2019 के आंकड़े देख पाए तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि बजट के बाद में होता क्या है। खासतौर पर 2018 में देखिए -4% का फॉल आपको देखने को मिला था। जुलाई 2019 जो 5 जुलाई का बजट था उसमें भी एडवर्स कुछ अनाउंसमेंट आए थे, 2.25% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए हिस्टोरिकली हमने ये देखा कि बजट के बाद एक बहुत बड़ा अपमूव मार्केट्स में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल की खासतौर पर डेटा देखें तो आपको एक बड़ी गिरावट मार्केट में बजट के एक हफ्ते के बाद देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर क्रक्स यही है कि बजट के दिन कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में नहीं आता वो दिखता है, गिरावट की आशंका ज्यादा है मात्रा के हिसाब से अगर आप देखें, और बजट के हफ्ते की जहां तक बात है तो पहले मूवमेंट कम है लेकिन बाद में ज्यादा है, और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ये गिरावट की ओर ज्यादा स्क्यूड आपको नजर आएगा। ओके, तो ये थे बजट में, बजट के समय बाजार की चाल क्या होती है, किस स्टॉक में तेजी रहती है और कौन से स्टॉक में गिरावट देखी जा सकती है, ये पूरा ट्रेंड हमें अभी आपको बताया। लेकिन इस बीच देखिए जुबिलेंट लाइफ, इस कंपनी के नतीजे आए हैं, स्टॉक आ चुका है 4% नीचे, आय में कमी देखी गई है, 2377 करोड़ से घटकर आय में जो आई है वो कमी इस बार देखी गई है और मुनाफा भी घटा है कंपनी का जुबिलेंट लाइफ का। राजेश जी, जुबिलेंट लाइफ के चार्ट देखिए, स्टॉक तेजी से नीचे आया है नतीजों के बाद, आय में कमी है, मुनाफा भी घटा है, 261 करोड़ से घटकर जो मुनाफा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है वो 203 करोड़ के आसपास का किया है, स्टॉक आ चुका है 3.5% नीचे। राजेश जी क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए इसने 595 का लेवल तोड़ा है रिजल्ट के बाद और इसके नीचे रहा तो मुझे लग रहा है ये 560 इवन 550 तक भी स्लाइड हो सकता है, क्योंकि नियर टर्म चार्ट पे इसने ब्रेक डाउन दिया, रिवर्सल के सिग्नल है, तो मेरे हिसाब से 595 के अगर नीचे रहा तो इसको बेच के चल सकते हैं, लेकिन हालांकि ये फ्यूचर में नहीं है तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो पोजिशन अगर लिक्विडेट करना है तो 595 के नीचे रहता है तो बेच सकते हैं, वापस मुझे लगता है 565-550 तक ही आ सकता है, वहाँ कवर करें पोजिशन।
ओके तो 560 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, 595 पर आप शॉर्ट कर सकते हैं जुबिलेंट लाइफ में। तो ये रहा इस वक्त स्टॉक पर, और इस बीच एक बिगुल का वक्त है वागले जी के लिए बीटीएसटी का। बताइए सर। पूजा बेचना है आरबीएल बैंक, 320 का एक अहम इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है 321 का, तो 319-319.50 के करंट भाव से मैं बेचूंगा। मेरा 322.50 का स्टॉप लॉस होगा और 312 का पहला टारगेट होगा जो शायद आज ही आ सकता है, नहीं तो कल मॉर्निंग आना चाहिए, और 312 ब्रेक करता है तो 306 तक ये ऑन द डाउन साइड जा सकता है। ओके, 312 और 306 ये दो टारगेट रखिए नीचे की तरफ बेचने के लिए। और इस बीच बाजार तेजी से नीचे आ रहे हैं एक्चुअली, अब निफ्टी में तो आप देखिए ऐसा लग रहा है कि 12,000 के नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी है, बजट के ठीक पहले 12,000 के नीचे बंद होना यह संकेत अच्छा नहीं है, एक्चुअली कमजोरी का संकेत है। अविनाश जी, कॉन्फिडेंस की कमी है? आई थिंक पहला एक दिन पहले अनिल जी नॉर्मली ऐसा होता है, बट मेरे ख्याल से कल का बाजार में होपफुली यू नो अप ट्रेंड होना चाहिए। आज मेरे ख्याल से मार्केट्स में काफी कॉशन है, मार्केट्स में पोजीशंस लोग अभी नहीं ले रहे हैं, जो भी है वो हल्के हो रहे हैं, तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको थोड़ी इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। और इंडेक्स में जो कमजोरी आई है निफ्टी देखिए आ चुका है करीब 70 अंक नीचे, बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है और 200 अंक की मजबूती 30,150 के आसपास बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसमें सरकारी कंपनियां जितनी है वहां पर तेजी से गिरावट आई है। बीईएल देखिए, अपने सुबह आपको आज का हीरो में बिकवाली करने की राय दी थी, स्टॉक आ चुका है 10% नीचे। इस बीच ओएनजीसी में 7% की गिरावट है, ऑयल इंडिया नीचे है, कोल इंडिया भी यहां पर 4% की कमजोरी इस वक्त दिखा रहा है। दिन के दूसरे स्तर पर तमाम सरकारी कंपनियां इस वक्त कारोबार कर रही है। चलिए स्पष्ट राय लेंगे, लेकिन एक वक्त है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानने का। इस बीच हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। स्पेशल पार्टनर टाटा एल्ट्रॉस, द गोल्ड स्टैंडर्ड, इंडिया सेफेस्ट कार। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए कहाँ देख रहे कमाई के मौके आप? गुड आफ्टरनून पूजा, मार्केट लो के पास है और सुबह हमने ऑप्शन में बैंक निफ्टी का कॉल दिया था और इंडसइंड बैंक का कॉल दिया था। बैंक निफ्टी ने 500 के ऊपर का 31,000 के कॉल ने हाई लगाया और हमने कहा था कि इंट्राडे में बुक करके जाना, कल का कल देखेंगे, तो उसमें जिन्होंने लिया था वो बुक कर लेना चाहिए, नहीं किया तो अभी भी एग्जिट कर ले। और इंडसइंड बैंक का जो दिया था वो अभी भी प्रॉफिट में है और बेहतर का हाई लग चुका है 1,250 का कॉल का, तो उसमें भी बुक करके निकलना है। अब जो 3 बजे की स्ट्रेटेजी है वो एचपीसीएल में है, एचपीसीएल में गिरावट देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल 232.10 अभी ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉक के अंदर यहाँ पे और दबाव देखने को मिल सकता है। 230 का लेवल टूटने के बाद 10 से 15 रुपए का फॉल एचपीसीएल में देखने को मिल सकता है। इसके लिए एचपीसीएल का 230 का पुट 11-11.25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसमें लगाना है स्टॉप लॉस, और स्पॉट लेवल्स के हिसाब से जो हमने लेवल्स कहे अगर वो अचीव होते हैं तो इस पुट की वैल्यू 15 रुपए से 18 रुपए तक देखने को मिल सकती है, तो 230 का पुट खरीदने का सलाह रहेगा। इस वक्त कैश में चल रहा है एचपीसीएल का लेवल, फ्यूचर में शायद डिस्काउंट पर एक बार जरा एचपीसीएल का कैश दिखा दे, भाव क्या चल रहा है? 230 का पुट खरीदना है आपको 11 रुपए में, 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 15 से 18 रुपए का टारगेट, ये है राय आपके लिए। एचपीसीएल 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा सुमित जी, दूसरा ऑप्शन? अनिल जी, मेरे को मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी लग रही है तो मैंने एक बार एक में ही कन्विक्शन बैठ रहा था तो एक ही ऑप्शन निकाला है मैंने 3 बजे के ट्रेड में। ठीक किया वैसे, एक ही किया था, कोई पुटी? अच्छा पुटी तो दिया आपने, मैं आपको बोलने वाला था कोई पुटी ढूंढ लेते, तो पुट तो दिए ही आपने। चलिए, एचपीसीएल का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है इस वक्त सुमित जी की तरफ से, शुक्रिया सुमित जी आपका वक्त निकालने के लिए। ओके राजेश जी भी हमें हाथ हिला रहे हैं, लगता है राजेश जी की तरफ से भी कोई बीटीएसटी टीका कॉल है। राजेश जी, बिगुल आपके लिए। जी हाँ अनिल जी, आपको दूसरा ऑप्शन ट्रेड चाहिए? मैं दूसरा ऑप्शन ट्रेड। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलिए तो राजेश पालिया जी के लिए बिगुल ऑप्शन की स्ट्रेटजी आ रही है। बताएं सर।
अनिल जी, हेवल्स को मैं यहाँ से व्यू नेगेटिव बन रहा है और हमें हेवल्स का 590 का पुट बाय करना है। करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 13 रुपए, 13.5 रुपए के आसपास। इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और जिस तरीके से वीकनेस हेवल्स में दिख रही, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 590 तक के टारगेट लोअर साइड के देखने को मिलेंगे। तो 590 का पुट मुझे लगता है कि इसमें 20 से 22 रुपए तक के टारगेट अचीव होना चाहिए। तो हेवल्स का पुट बाय करके जाना चाहिए। स्टॉक में वीकनेस दिख रही, मुझे लगता है 590 तक के टारगेट कल देखने को मिलेंगे। तो ये पुट जो 590 का हम 13-13.5 रुपए में ले रहे हैं, इसमें 20 से 22 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। और स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखेंगे। ओके, 590 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदना है हेवल्स में आपको, और 13 रुपए के आसपास चल रहा है, ले लीजिए 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए की रिस्क है, मतलब 20 से 22 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए राय। और इस बीच एक और स्टॉक जो बैन में तो नहीं गया लेकिन नीचे आया है, 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वो है यस बैंक। इसकी चर्चा न करें ठीक नहीं है, एक्चुअली कर तो लेनी चाहिए, आज 1.5-2% मजबूत है। सिमी जी, इसके चार्ट देखकर बताइए, इसे आप खरीदेंगी या बेचेंगी? जी, येस बैंक में कभी भी खरीदने का इच्छा भी नहीं होता है, तो मेरे तरफ से इसमें तो सेल ही है। अगर स्टॉप लॉस आपको देना है तो आप ही दे दीजिए मेरे तरफ से, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग साइड पर तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये है आपके लिए येस बैंक पर राय, कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं करेंगे। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो देंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी। चंदन जी बताइए। जी नमस्कार। देखिए, बाजार की ट्रेंड की बात करें तो काफी उठाव बटक का माहौल देखने को मिल रहा है, बट सेलेक्टिव काउंटर्स में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और मेरा मानना है कि एसआई टीम बाजार में रहेगा और बजट के चलते उठा पटक जारी रहेगा। बट फिर भी जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से रणनीति बना रहे हैं, एक बाय की तरफ और एक सेल की तरफ का प्रोसेस यहाँ पे रखेंगे, और बाय की तरफ हम यहाँ पे देखेंगे तो एसबीआई की तरफ फोकस करेंगे। एसबीआई देखिए 300 से लेके 350 का इसका ट्रेडिंग बैंड है और आज के दिन आंकड़ों के बाद में इसे लोअर बैंड के डेटा पे सपोर्ट लिया है, 300 से कुछ में राइटिंग है। तो यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं बाजार चलेगा या नहीं चले तो भी काउंटर ऊपर में 330 तक का अटेम्प्ट करेगा, इसलिए एसबीआई का 330 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल अभी 9 रुपए के आसपास चल रहा है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे 17 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। और जो दूसरा ट्रेड रहेगा, जी 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 बोलिए जी, तो पहला ट्रेड हमने डिस्कस किया 330 का कॉल लेने के लिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 का टारगेट। और दूसरा ट्रेड रिलायंस पर रहेगी, हमने रिलायंस कल भी बेचने के लिए और पुट लेने की सलाह दी, आज भी हम स्ट्राइक का लेने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि लग रहा है 1400-1380 के लेवल को खुलेगा, तो 1380 का पुट लेने की सलाह रहेगी जो अभी लगभग 30 रुपए के आसपास चल रहा है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 50 रुपए तक ये पुट जा सकती है। एक मिनट, रिलायंस का पुट खरीदना है आपको, ये पुट कौन सा वाला है? 1380 का पुट, 1380 का पुट मिल रहा है ये 30 रुपए में, 30 रुपए में ले लीजिए। ओके, और 20 का स्टॉप लॉस 50 का टारगेट। तो रिलायंस का पुट खरीदना है, एसबीआई का कॉल खरीदना, बराबर है जी? परफेक्ट, ठीक है सर। अब नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, वो भी आने वाला है आपके साथ में थोड़ी देर, तैयार है आप? थोड़ी देर बाद में। ओके, तो थोड़ी देर बाद में हम आपके सामने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, रखेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स और हैं जो आने वाले हैं, उनकी भी आपको तैयारी कर लेनी। ओके, तो ये सारे एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, थोड़ी कमजोरी और बढ़ रही है, 11,955 भी आ गया, तीसरी रेंज का भी लोअर एंड आ गया 945। लेकिन चलिए फोकस बजट पर ही करते हैं, बजट से लेकर बजट तक इसी पर फोकस, और कैसी रही है पिछले बजट से इस बजट तक बाजार की चाल और क्या कुछ खास हुआ है जिससे कि आप आगे का लगा सके अंदाजा। दीपांशु, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ है, दीपांशु बताइए। अनिल जी, अगर आप इंडेक्स की बात करें तो आज की गिरावट के बाद आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सपाट ही है, निफ्टी लगभग 1.5-2% की गेन दिखा रहा है पिछले जुलाई के बजट से अब तक की, वहीं सेंसेक्स 3.5%, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2.5% की गिरावट है। अगर आप मिड कैप एक्शन देखें और ये स्पेशली लास्ट 2 महीने में जो एक्शन आया उसको मिलाकर अगर आप देखें तो बीएसई 500 इंडेक्स लगभग 3% चला है, एनएसई मिड कैप 100 3.5% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 4%। स्टॉक एक्शन
की अगर बात करें अनिल जी, तो कंजम्पशन में सबसे ज्यादा एक्शन रहा है। भारतीय एयरटेल ऑफकोर्स टॉप गेनर है लगभग 35% की गेन का, और ये ज्यादातर गेन पिछले 2-3 महीनों में ही आई है। इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले में काफी अच्छा एक्शन देखा है, 30% से ज्यादा की गेन। वहीं बीपीसीएल विनिवेश की खबर का चलते चलते 27% की गेन, और बीपीसीएल यहां पर आउटलायर इसलिए अनिल जी क्योंकि लूजर्स की बात करें तो आईओसी 23% गिरा है इसी टाइम पीरियड में, जबकि बीपीसीएल लगभग 26-27% ऊपर गया है। ओएनजीसी 28% गिरा है, येस बैंक टॉप लूजर है, 55% की गिरावट देखी है, और कोल इंडिया में 22% की। तो निफ्टी पैक से ओएमसीज और पीएसयू स्टॉक सबसे वीक रहे हैं, और उसके अलावा येस बैंक सबसे वीक रहा है। वहीं अगर बाकी एरियाज की बात करें तो बैंक सेक्टर पर नजर डाल लेते हैं। बैंक के अगर गेनर्स की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, 22% की गेन। वही कोटक बैंक 7.5% गिरा है। येस बैंक टॉप लूजर है, कोई सरप्राइज नहीं है वहां पे। इसके अलावा आरबीएल बैंक आधा हो गया है इस टाइम पीरियड में, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी भी लगभग 30% गिरे हैं इस टाइम पीरियड में। मिड कैप्स की बात करें तो अदानी ग्रीन हमने देखा है काफी अच्छी तेजी देखी है, लगभग 3 गुना बढ़ चुका है ये स्टॉक इस टाइम पीरियड में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 2 गुना बढ़ा है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने आज भी नया हाई बनाया है, लगभग डबल ये भी हो गया है, और विनिवेश के चलते चलते शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सबसे पहले आपने हाईलाइट किया था यहां पर 90% की गेन आई है जुलाई से अब तक। लूजर्स में रिलायंस कैपिटल है, दीवान हाउसिंग है, लक्ष्मी विलास बैंक है, और जैन इरीगेशन है। और कुछ मिड कैप एक्शन में बात करें, एनएससी मिड कैप 100, तो गैस स्टॉक सबसे आगे रहे हैं, आईजीएल सबसे बेस्ट गेनर है, 75% की गेन आईजीएल में देखी है, निपॉन लाइफ में 60% से ज्यादा, वर्लपूल और अन्य स्टॉक्स भी काफी एक्टिव रहे। वहीं अगर गिरावट की बात करें तो इंडियन बैंक में 60% की वैल्यू इरोजन हुई है, वहीं इंडिया बुल्स वेंचर्स और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में 50% की गिरावट। और फाइनली अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर डाले हैं जी, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था, जीएमएम फोल्डर और अदानी ग्रीन, और लूजर्स में है तलवलकर जिसमें लगभग 98% की गिरावट है, रिलायंस होम फाइनेंस 90%, रिलायंस कैपिटल 85% और यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज वो भी 85% के आसपास ही है। ओके, तो ये था बजट से बजट का परफॉर्मेंस लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु इस सारी डिटेल्स लाने के लिए। और देखिए ये काफी कुछ स्टॉक्स हमने आपको स्पेशल 20 थोड़ी देर पहले जो किया था, काफी कुछ स्टॉक्स वहां पर भी कवर हुए हैं, तो ये सूची आप नोट डाउन कर सकते हैं और उस हिसाब से रणनीति ले सकते हैं। ओके, इस बीच वागले साहब के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताइए सर कौन सा स्टॉक? अनिल जी, टाटा स्टील ने एक मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया है, 442-443 के 3 दिन के लो को ब्रेक किया है, 441-440.50 में टाटा स्टील अभी क्या अभी बेचना चाहिए। मुझे लगता है कल एक 5 से 6 रुपए की कम से कम गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए। 432 का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 443 का। ओके, 443 ये है स्टॉप लॉस। टाटा स्टील में आप बिक्वारी कर सकते हैं और टारगेट 432 के लेवल तक की गिरावट भी टाटा स्टील में देखने को मिल सकती है। ये रहा ग्लोबल कमजोर है आज, अमेरिका भी कमजोर, फ्यूचर्स ट्रेड दिख रहे हैं, तो मेटल सेल ऑन राइज है बेसिकली, आप बेच सकते हैं हर एक ऊपर के लेवल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये राय इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स से जहाँ पर की तेजी कर लीजिए क्योंकि 3:20 के बाद मेरी आखिरी 10 मिनट की स्ट्रेटेजी भी आएगी, तो अभी ले ले। नहीं, उससे पहले नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, उसको प्रेफरेंस दे देते हैं हम। ठीक है, तो दीपांशु हमारे साथ तैयार है रिजल्ट्स का एनालिसिस लेकर, कैश मार्केट के कौन से रिजल्ट्स जो हो सकते हैं अच्छे, आइए देखते हैं। बताएं दीपांशु, गार्ड के नंबर्स आए थे हमने नतीजों में हाईलाइट किया था और काफी अच्छे रहे, 3.5% का उछाल देखा स्टॉक में। वी नाम से ही एक स्टॉक है, वी मार्ट, जिस पर फोकस करना पड़ेगा। टेक महिंद्रा, ये रिजल्ट आ गए, पहले टेक महिंद्रा देखेंगे हम रिजल्ट, जल्दी से टेक महिंद्रा के रिजल्ट पर पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा, आप पोल ढूंढ रही हैं, तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूं। मैं पढ़ देती हूँ टेक महिंद्रा के नतीजे, एक बार देख लेते हैं। मुनाफा जो आया है 714 ये नंबर, माफ कीजिए 1140 के आसपास का आया है, 1150 मुनाफा बढ़ा है, हमारा तो 994 करोड़ का अनुमान था, मुनाफा काफी ज्यादा नहीं आ गया। ओके, 1150 करोड़, 994 करोड़ के मुकाबले में 150 करोड़ ज्यादा, वाह भाई ऐसा क्या किया टेक महिंद्रा ने। ओके, तो रिजल्ट्स तो ये आपके सामने, पहला आंकड़ा आय का आंकड़ा हमारा 9386 करोड़ का अनुमान है, आया 9650 करोड़, ये भी जबरदस्त आया, 225 करोड़, क्या बात है गजब। अच्छा, टेक महिंद्रा कौन खरीदने की बोल रहा था आज भी कल भी, कल तो वागले साहब ने बोला था शायद,
आप नंबर जी आने आए के जो फिगर आए हैं 350 करोड़, हम डॉलर आए की भी फिगर्स यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू और मुनाफे दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक आ चुका है इस वक्त 0.5%। हाँ तो वागले साहब का कल है ना पिक ऑफ द डे था। वागले साहब आप ही बताओ, 828 का आपने टारगेट दिया था, कल खरीदने की राय थी आपकी 804 के आसपास। बताइए टेक महिंद्रा के चार्ट जल्दी से रिजल्ट आ गए हैं, इसके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। अनिल जी मुझे मेरा कल तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मुझे दिखता है ये मूव आनी चाहिए। 810 812 का पहला टारगेट होगा अगर आपको बजट तक प्ले करना है तो, और अगर 815 निकलता है तो फिर 831 में जा सकता है। वो आपको है ना रिजल्ट के टाइम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए, रिजल्ट के टाइम पे छोटा वाला चलता नहीं। अविनाश जी टेक महिंद्रा कैसे दिख रहे रिजल्ट? नंबर्स दमदार है, नंबर्स दमदार है, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रॉफिट और आय दोनों फ्रंट पे कंपनी ने नतीजे बहुत अच्छे दिखाए। होपफुली हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री और जो नए क्लाइंट विंस की जो न्यूज फ्लो आएगी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से स्टॉक में और तेजी आएगी, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट उम्मीद से काफी अच्छे। ओके, उम्मीद से बेहतर नंबर्स। स्टॉक 800 के डॉलर आए भी 135 करोड़ जो हम अनुमान कर रहे थे उसी के आसपास डॉलर आए भी आए हैं, और 131.80 का अनुमान था और 135 तो बढ़िया बोली जाएगी। हर एक फ्रंट पर अभी तक जो रिजल्ट है टेक महिंद्रा के बेहतर, चिंता न करें। अच्छा जिसके अच्छे आने वाले दीपांशु बताने वाले थे, वी कुछ बोला था, वी मार्ट अनिल जी, वी मार्ट। अच्छा बताइए अनिल जी, वी मार्ट इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आय में देखें तो लगभग 17.5% की बढ़त देख सकते हैं, और तीसरी तिमाही अच्छी रहती है तो अच्छे बेस पे 17.5% की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं कामकाजी मुनाफे में अनिल जी अगर आप नजर डालें तो 28% की बढ़त वहां पे हो सकती है। मार्जिन को देखिए, लगभग 2.5% का एक्सपेंशन होने वाला है तो अच्छा सुधार देखने को मिलेगा मार्जिन में, और वहीं मुनाफे में भी लगभग 34% की बढ़त देखने को मिलेगी। इन्होंने काफी अग्रेसिवली नए स्टोर्स जोड़े हैं अपने अकाउंट में तो उसके चलते चलते आय में काफी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा विंटर डिमांड की वजह से, एक तो डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से आय में फायदा होगा, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुछ दाम भी बढ़ाए थे तो उसके चलते चलते भी आय में, मुनाफे में और मार्जिन तीनों में ही सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी का काफी अग्रेसिव प्लान है अपने स्टोर काउंट्स को एड करने का, और उन्होंने कहा है कि आगे जाकर भी अपने स्टोर काउंट्स एड करते ही रहेंगे तो इसके चलते चलते भी अच्छे नतीजे आएंगे। तो वीमार्ट रिटेल पर ध्यान देना पड़ेगा, बाजार अनुमान लगा रहा है कि काफी मजबूत नतीजे आ सकते हैं इस कंपनी से। तो मजबूत नतीजे मार्जिन के फ्रंट पर देखिए, शानदार नंबर पोस्ट करने का उम्मीद की जा रही है, मुनाफा बढ़ सकता है 34%। राजेश जी आप सजेस्ट करिए वी मार्ट के चार्ट्स, नतीजों के पहले क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक में लास्ट 3 वीक से एक रिकवरी देखने को मिली, और स्टॉक का अगर नियर टर्म सेटअप देखें तो पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक को एक नियर टर्म चार्ट पे एक हर्डल है वो 2025 के आसपास है, 2025 का लेवल क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा अपमूव, जिस तरीके से दीपांशु बता रहे थे कि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मुझे लगता है कि फिर अगर ये 2025 का लेवल क्रॉस कर लेगा तो फिर 2200 तक के भी इसमें टारगेट बनना चाहिए, क्योंकि चार्ट का सेटअप जो दर्शा रहा है कि स्टॉक अगर ये हर्डल क्रॉस करता है तो एक बड़ी तेजी बनेगी। करंट लेवल से मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ से आएगा 1950 का, और पहला टारगेट होगा 2025, वो निकल जाता है तो फिर मुझे लगता है 2200 तक की भी तेजी इस स्टॉक में बन सकती है। ओके, तो चलिए ये लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं वीमार्ट रिटेल के, और अब रुक कर लेते हैं आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी 3:20 की स्ट्रेटेजी जाने का। सिर्फ डाउ फ्यूचर्स बताइए और कुछ नहीं, बाकी तो सब पता ही है। डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए 92 अंक नीचे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 निफ्टी नो ट्रेड, वैसे 12,000 के नीचे बंद हो रहा है, कमजोरी है लेकिन अब इतना नीचे बेचने का मन नहीं है, 80 पॉइंट नीचे क्या बेचें, डे लो पर है तो नहीं बेचा जाए। बैंक निफ्टी 30,800 पर बेचा जा सकता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, या फिर 30,800 का पुट खरीद लें, ठीक है। अभी 30,800 चल रहा है बैंक निफ्टी, करेक्ट 30,800, तो 30,800 का पुट ले लें। Okay. राजेश जी पुट कितने में मिल रहा है 30,800 वाला? अनिल जी एक ही सेकंड में बता रहा हूँ। हाँ आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में 30,750 ये तीन टारगेट के लिए आपको पुट खरीदना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30,900 का, ठीक है। ये है मेरे लिए बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीद कर बीटीएसटी करने की राय, और जिनको अगर ऐसे ही बेचना है तो 30,800 पे बेचिए, 30,900 का स्टॉप लॉस लगाकर, और नीचे की तरफ 30,750 के टारगेट। तो अगर किसी को मंदी करनी है बैंक निफ्टी में तो अब बताइए राजेश जी 30,800 के पुट के लिए बता दीजिए लेवल्स।
देखिए 30,800 का पुट अभी चल रहा है, 450 455 की रेंज में चल रहा है। सो अगर हम ये पुट लेके मद्दी करते हैं तो फिर इसमें जो स्टॉप लॉस रखना होगा 400 रुपए का एटलीस्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि काफी बड़ा वैल्यू है और एट द मनी ले रहे हैं हम बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 400 रुपए का एटलीस्ट स्टॉप लॉस रखें, और अगर ये बैंक निफ्टी गिरती है अब यहाँ से 30,900 के नीचे फिसल के, अगर इसके नीचे अब रहती है तो हो सकता है एक बार वापस 30,650 तक अटेम्प्ट करे, तो इसमें टारगेट बनेंगे जो कि 650 तक के टारगेट इस पुट में बन सकते हैं। ओके, तो 30,825 के आसपास बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का है, रिस्क है, मजबूत है, 200 पॉइंट ऊपर तभी तो मजा है। मजे की बात ये है कि जब हरे निशान में तब तो बेचने का मजा है। फिर मैं कहूंगा अभी भी SBI में भले कितने भी बाय कॉल आ रहे हूँ बेहतर है कि प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जो मैंने कॉन कॉल भी सुना, कॉन कॉल सुनने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जिस तरह की डिटेल्स निकल कर आ रही है, लोन ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ 10% के नीचे की मुझे तो मजा नहीं दिख रहा, और DHFL वगैरह का जो प्रोविजन किया जिसकी वजह से स्लिपेजेस दिख रहे वो भी 40% ही किए, 100% नहीं हुए, 60% बाकी है अविनाश जी, तो आगे भी रहेंगे फिर ऑब्वियसली एलिवेटेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि और एक और चीज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लोन्स है ना वहाँ डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेरा सेंस बन रहा है सुन के वो कमेंट बहुत अच्छी आएगी इसकी संभावना का। फिर भी अगर किसी को लेना ही है कल 323 पार कर ले लीजिए, 3-4 रुपए ऊपर ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बाय में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, देखते हैं कल इसका एनालिसिस किस तरह का आता है। फिलहाल SBI चूंकि शॉर्ट काफी हुए हैं इसलिए शॉर्ट कवरिंग होकर मजबूती के साथ बना हुआ है। बिल्कुल, तो कमेंट्री किस तरह की निकल कर आती है इस पर डिटेल एनालाइज करके कल हम इस पर राय बता सकते हैं आपको। लेकिन क्योंकि बैंकिंग स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक जो तेजी से ऊपर आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। जब नतीजे आए थे तो स्टॉक हल्का ऊपर जरूर था, लेकिन नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में कुछ कंसर्न था, स्टॉक आ चुका है 4% ऊपर। सिमी जी, बैंक ऑफ इंडिया में कुछ ट्रेड देख रही हैं आप? पूजा, मुझे स्ट्रक्चर ओवरऑल खराबी लग रहा है, मुझे आज एटलीस्ट कल बजट है वो देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस रैली में एंट्री लेना चाहिए, स्ट्रक्चर खराबी है। तो स्ट्रक्चर खराब है, बैंक ऑफ इंडिया इन स्तरों पर खरीदारी करने की राय नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं इन स्तरों पर भी। सुवेन लाइफ साइंस कर, सुवेन लाइफ हम सुबह भी स्टॉक की बात कर रहे थे और स्टॉक में इस वक्त अगर देखें तो 5% ऊपर, ये स्टॉक भी अपर सर्किट पर ही है। यहाँ पर काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप आज फार्मा कंपनियों में भी यहाँ पर खरीदारी देखी जा रही है। चलिए कुछ सेकेंड रह गए हैं मार्केट क्लोजिंग में भी, और इस वक्त देखें निफ्टी करीब 70 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी 180 अंक ऊपर है और सेंसेक्स 170 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखी जा सकती है। अगर यहाँ पर गेनर्स की बात करेंगे कहाँ से तेजी मिल रही है, तो उसमें आज जो मजबूत है इस कमजोर बाजार में भी कोटक महिंद्रा बैंक 3% ऊपर है, SBI 2% ऊपर है, इंडसइंड बैंक तो शुरुआती जो तेजी दिख रही है वो बैंकिंग शेयरों में ही दिख रही है, इंडसइंड बैंक में भी 2% की मजबूती इस वक्त देखी जा सकती है, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कमजोरी है टाटा मोटर्स, ये स्टॉक आ चुका है 5% नीचे, नतीजे अच्छे थे लेकिन एक मुनाफा वसूली और 5% नीचे स्टॉक भी, कुछ सरकारी कंपनियों में भी आखिरी कुछ घंटों में कमजोरी बनी है, इसमें ONGC आ चुका है 4% नीचे, पावर ग्रिड में कमजोरी है, UPL, IOC, BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज BL तो 12% हो गया, BL 12% स्टॉक ऑफ द डे दिया तो मैंने सोचा नहीं था इतना गिरेगा, आज का हीरो दिया था, मैं तो सोचा 5-6% गिरेगा, 12% एक्सट्रीम होने लगा है। इक्विटास और उज्जीवन पहली बार लाइफ में अलग अलग दिशाओं में गए, इक्विटास 5% नीचे और उज्जीवन 5% ऊपर, रिश्ता टूट गया इनका, जो बाई बाई वाला था, एक साथ चलते थे, एक साथ बढ़ते थे, एक साथ गिरते थे, देखिए आज दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। फाइनली प्रोविजनल क्लोजिंग आ चुकी है आपके सामने, 30,813 बैंक निफ्टी पर 166 अंकों की मजबूती और इतना ही कमजोर है सेंसेक्स, 163 अंक नीचे 40,749 के आसपास, और निफ्टी दिन के लो पॉइंट के आसपास जाकर हुआ है बंद 68 पॉइंट के नुकसान के साथ, 0.5% नीचे। ये भी देखो जब ये इक्विटास उज्जीवन को भी क्या कहें, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, निफ्टी और सेंसेक्स ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, निफ्टी 0.5% सेंसेक्स 0.5% मजबूत है कमजोर है, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है, निफ्टी 0.5% कमजोर, तो जब यही आपस में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्टॉक्स तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप कहीं जाइए क्योंकि कल का दिन है बेहद इंटरेस्टिंग और अहम, लेकिन उससे पहले आज का कार्यक्रम पहले मैं आपको बता दूं,
कल वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बजट में वित्त मंत्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकते हैं और साथ ही आम आदमी को राहत देने के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स में भी बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इसके अलावा बजट में आपको और क्या कुछ मिल सकता है जानने के लिए देखिए आपकी खबर आपका फायदा में शाम 6 बजे बजट का ब्लूप्रिंट ये आपके लिए।